जम्मू कश्मीर में लगातार अगर देखा जाए तो 38,000 जवानों की तैनाती लगातार कर दी गई है। वही अमरनाथ यात्रा को लेकर भी एक एडवाइजरी जारी की है और लगातार पर्यटकों को भी खास तौर पर वापस बुला लिया गया है। फिलहाल कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और ये उनसे भी जानते हैं कि अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर को लेकर अब सरकार किस तरीके की बात कर रही है, क्या क्या सोचने जा रही है कि एक बड़ा मामला सामने नजर आता हुआ दिख रहा है। सर, एक देखा जाए जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एडवाइजरी जारी हो गई और लगातार 38,000 जवान भी पहुँचा दिए गए, क्या लगता है सर? नहीं, अच्छा है, पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए वो कर रहे हैं। अगर इन केस कुछ हो जाता है, ऊंच नीच हो जाते हैं, तो बाद में अपोजिशन वही बोलेगी कि सिक्योरिटी क्यों नहीं करी है। अपोजिशन को तो बहाना चाहिए इस चीज़ का, तो ये पब्लिक के लिए अच्छा ही कर रहे हैं। सर, अगर बात करें 3500 को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि 3500 इस बार खत्म होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछली सरकार जब मोदी की तब उन्होंने कई बातों का जिक्र किया था कि 3500 को खत्म करेंगे, तो फिलहाल अब क्या लगता है 3500 का भी कुछ जिक्र? जो वर्तमान परिस्थिति है उनके जिम्मेदार कश्मीर के वही नागरिक हैं जो 3500 के खिलाफ स्वयं खड़े हुए हैं। सेना को पत्थरबाजी करना और जिस तरह से उनके देश विरोधी बयान, देश विरोधी कार्य और आतंकवादियों की शरणस्थली बनकर रह गई है ऋषि कश्यप की भूमि, और उससे जिम्मेदार वहाँ की आवाम, वहाँ के अलगाववादी नेता और वहाँ के वह नेता जो ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पल रहे हैं, तो आज उन्हें सबक सिखाने का अच्छा वक्त आ गया है। और अमित शाह जी ने सत्ता संभालने से पहले एक बात बिल्कुल तय स्पष्ट रूप से कर दी थी, 3500 से 370 पर हमें कार्रवाई करनी है। सरकार कुछ बड़ा सोच रही है, बताया जा रहा है लगातार कि 3500 को लेकर भी कहीं ना कहीं बातें छिड़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं। सर, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अगर बड़ी तैनाती की गई है जवानों की, तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं? कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो हमारी सरकार जो है ये 3500 और 370 को ख़त्म करना चाहिए। लोकल पार्टियां हैं, लोकल पार्टी लगातार विरोध करती नजर आ रही हैं और बताया जा रहा है कि कुछ बड़ा कर देंगे, बड़ा ऐसा सोचना कहीं ना कहीं गलत साबित होगा, तो कहीं नुकसान, कहीं ऐसा तो कहीं नहीं कि नुकसान कुछ होता नजर आए? लोकल पार्टियों को अपना अस्तित्व जो है खत्म होता नजर आ रहा है, इसलिए वो जो है ऐसी बयानबाजी कर रही है। बिल्कुल साफ तौर पर अगर माना जाए तो 3500 को लेकर भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि 3500 इस बार शायद मोदी की पहली रणनीति है जो 3500 को ख़त्म करने की है। फिलहाल अब इसमें देखना यह है कि आगे क्या होता है और क्या रणनीति मोदी सरकार करने वाली है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं प्रतीक पाठक, RNN TV, देहरादून।